गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, दिस इज योर टेस्ट पेपर ऑफ चैप्टर 1। इस टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, तो इसको आपको बार बार बनाना है, रिवाइज करना है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आप नंबर देख रहे हो इसको आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 58373, ठीक है, इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में। और बी नंबर है आपका 654383, ठीक है, इसको भी इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, ठीक है। सेकेंड नंबर है आपका, मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अभी आप जो नंबर देख रहे हो उसको आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है 7 डिजिट का, और लार्जेस्ट नंबर भी बनाना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। आपको ये बताया गया है, आप ठीक से ध्यान से इसको बनाइएगा। जहाँ पे 5 डिजिट होगा उसको कंप्लीट 7 डिजिट बनाइएगा। किस तरीके से करना है ये भी आपको पता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, राउंड ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जिस तरीके से आपको जिस नंबर में राउंड ऑफ करना है यहाँ पे दिखाया गया है, उतने में आपको ये तीनों नंबर को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट में आपको 96 है जिसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। बी में आपका 267 है जिसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, और सी में आपका नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, जो क्वेश्चन है 22650, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट दिए रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आपको पता है रोमन नंबर को बोलते हैं हम लोग, तो 95 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है वो आपको लिखना है, और 87 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट दिए हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर आप जानते हो 1, 2, 3 जो होता है वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो XCVI किसका रोमन न्यूमरल होता है, तो XCVI जिसका भी रोमन न्यूमरल होता है उसका आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से XCIX किसका रोमन न्यूमरल है, तो जिसका भी है उसका हिंदू अरेबिक नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका टेस्ट पेपर है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊँगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप मैच कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को कि आप क्या बनाए हो, और आपको इससे पता चल जाएगा कि आप कितना करेक्ट किए हो और कितना रॉन्ग किए हो, ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।